हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग योर सेल्व एंड टुडे वी आर गोइंग टू राइट टेन लाइंस ऑन छठ पूजा इन हिंदी एंड इंग्लिश सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड छठ पूजा उत्तर भारत खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है तो यहाँ पर लिखेंगे Third Puja is an important festival of North India. खास तौर पर स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश का आप यहां पर इन का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी कर सकते हैं इन बिहार एंड सोर्ट में यूपी लिख देते हैं आप फुल फॉर्म में भी उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं छठ पूजा इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पेशली ऑफ बिहार एंड यूपी यह प्रत्येक साल दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है तो यहां पर लिखेंगे दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द दिक्सथ डे दिवाली के बाद आफ्टर दिवाली प्रत्येक साल एवरी ईयर दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन द सिक्स डे आफ्टर दिवाली एवरी ईयर इस पूजा के दौरान लोग तीन दिन का उपवास रखते हैं तो यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग दिस पूजा People observe. आप चाहें तो keep का भी use कर सकते हैं fast for three days या फिर आप यह भी लिख सकते हैं Keep थ्री डेज फास्ट ड्यूरिंग दिस पूजा पीपल ऑब्जर्व थ्री डेज फास्ट इस उपवास के दौरान लोगों को कठिन नियमों का पालन करना होता है तो यहां पर लिखेंगे पीपल हैव टू फॉलो टफ रूल्स इस उपवास के दौरान During this fast, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं, while performing this fast, people have to follow some tough rules while performing this fast. ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस व्रत को करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है ऐसा माना जाता है यानी कि इट इज बिलीव्ड इट इज बिलीव्ड दैट ऑल विशेष ऑफ पीपल आर फुलफिल्ड जो लोग इस व्रत को करते हैं who observe this fast it is believed that all wishes of people are fulfilled who observe this fast छठ पूजा का आयोजन नदी या तालाबों के तट पर किया जाता है तो यहां पर लिखेंगे छठ पूजा इज ऑर्गेनाइज यह पैसे बॉइस में है इसलिए ईज इस प्लस वर्ब थ्री यूज करेंगे छठ पूजा इज ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और पोड छठ पूजा इज ऑर्गेनाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और पॉन्ड। इस पूजा के दौरान उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा की जाती है तो यहां पर लिखेंगे ड्यूरिंग दिस पूजा द राइजिंग सन एंड द सेटिंग सन इज वर्सिप्ट यानी कि पूजा की जाती है ड्यूरिंग दिस पूजा द राइजिंग सन एंड द सेटिंग सन इज वर्सिप्ट खस्ता, ठेकुआ तथा कुछ फल जैसे केला नारियल इत्यादि मुख्य प्रसाद होते हैं तो यहां पर लिखेंगे खस्ता ठेकुआ एंड सम अदर फ्रूट्स लाइक बनाना कोकोनट एटसेट्रा आर दिन प्रसाद ऑफ दिस पूजा यानि कि इस पूजा का खस्ता ठेकुआ एंड सम अदर फ्रूट्स लाइक बनाना कोकोनट एटसेट्रा आर द मेन प्रसाद ऑफ दिस पूजा इस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं तो यहां पर लिखेंगे ऑन दिस डे एवरी वन वेयर्स न्यू क्लॉथ्स बच्चों के लिए नदी के किनारे एक छोटा मेला भी लगता है तो यहां पर लिखेंगे अ स्मॉल फेयर इज ऑल्सो हेल्ड नदी के किनारे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फोर चिल्ड्रन On this day, everyone wears new clothes. A small fair is also held on the bank of the river for children. यहाँ पर दा यूज करेंगे। On the bank of the river for children. लोग हर साल इस पूजा का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे। People wait for this puja. या फिर फेस्टिवल एवरी ईयर और इस दिन को बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं एंड सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट जोए people wait for this puja every year and celebrate this day with great joy. I hope dear students and friends, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे